हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की लाइसेंस की टाइप रेटेड लाइसेंस के बारे में। तो आपका जो एयरक्राफ्ट लाइसेंसिंग कैटेगरी है, आप CR66 में पढ़े हैं, वो जो कैटेगरी लाइसेंस है जिसको आप AME लाइसेंस बोलते हैं, वो एक्चुअली टाइप रेटेड होना चाहिए, तभी आप सर्टिफाइंग स्टाफ बनेंगे। ठीक है, तो जब तक आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लाइसेंस में टाइप रेटिंग इंक्लूड नहीं होता है तो आप सर्टिफाइंग स्टाफ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो एयरक्राफ्ट है उसको ग्रुपिंग किया गया है। तो पहले एयरक्राफ्ट को ग्रुप वन एयरक्राफ्ट, ग्रुप टू एयरक्राफ्ट, ग्रुप थ्री एयरक्राफ्ट, ऐसे तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और एक टाइप का ग्रुप का एयरक्राफ्ट है, वो है पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन्स ऑफ 2000 केजी मैक्सिमम टेक ऑफ मास एंड बिलो। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का एयरक्राफ्ट है जिनके लिए सिर्फ B3 कैटेगरी। ओके, ये तो आपको पता है कैटेगरी ऑफ लाइसेंस है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का AME कैटेगरी का लाइसेंस है, और ये रहा डिफरेंट टाइप का एयरक्राफ्ट का ग्रुपिंग है। और आपको सर्टेन लाइसेंस जो ले रहे हैं, सर्टेन ग्रुप का एक पर्टिकुलर मॉडल का एयरक्राफ्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर रेटिंग लेना है। तो आज हम बात करेंगे कौन सा लाइसेंस के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट के ऊपर किस ग्रुप के अंडर आ रहा होगा, तो आपको कौन सा एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेंगे एयरक्राफ्ट की ग्रुपिंग पहले। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री। उससे पहले और एक चीज जानना जरूरी है, एयरक्राफ्ट के लाइसेंस की कैटेगरी को, लाइसेंस कैटेगरी में कैटेगरी ए आता है, कैटेगरी B1 आता है, कैटेगरी B2 आता है, कैटेगरी B3 आता है, कैटेगरी C आता है। कैटेगरी ए को भी फिर कैटेगरी A1, A2, A3 और A4 मिला है। और कैटेगरी बी की बात करें तो B1 की बात करें, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 ऐसे डिवाइड किया, और B2 को कोई सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया, और B3 तो अलग ही स्पेशल है, और कैटेगरी C लाइसेंस। तो ये पांच लाइसेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कौन सा टाइप रेटिंग अवेलेबल है उसकी मैं बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप रेटिंग है। ठीक है, तो रेटिंग क्या है वो आपको पहले समझ लेनी है। रेटिंग रेटिंग का मतलब यह है कि एक स्पेशल ऑथराइजेशन, जो जिस ऑथराइजेशन के थ्रू आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर जाता है सर्टेन टास्क को सर्टिफाई करने का। उसके साथ कुछ लिमिटेशन भी दिया जाता है, क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो लिमिटेशन भी दिया जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस कौन सा है, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, कुछ सर्टेन टास्क करने का और सर्टेन टास्क को सर्टिफाई करने का आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, और ऑथराइजेशन को ही उस ऑथराइजेशन को बोला जाता है रेटिंग। ठीक है, और वो रेटिंग जो है, वो रेटिंग रिलेट करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टाइप रेटिंग बोलते हैं, या तो एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग बोलते हैं। तो एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग जनरली 1, 2, 3 ऐसे डिफरेंट टाइप का, 2-3 टाइप का है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और वो पर्टिकुलर ग्रुप का एयरक्राफ्ट के लिए मिलता है। कौन सा ग्रुप का एयरक्राफ्ट के लिए और कौन सा कैटेगरी में, तो कौन सा कैटेगरी लाइसेंस के लिए कौन सा ग्रुप का एयरक्राफ्ट में कौन सा रेटिंग मिलता है, उसकी आज हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप जान लेते हैं, ग्रुप वन में कौन सा एयरक्राफ्ट है। जितने भी कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, वो आ जाते हैं ग्रुप वन में। या आपके पास कोई मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर है तो भी ग्रुप वन में आ जाते हैं। ठीक है, या जो एयरक्राफ्ट फ्लाइट लेवल 290 एल्टीट्यूड में, अगर एक्सीडिंग फ्लाइट लेवल 290 मतलब
29,000 फीट से ऊपर अगर फ्लाई कर रही है या जिस एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगे हैं, ये सब आ जाएंगे। या डीजीसीए ने किसी को डिफाइन कर दिया किसी एयरक्राफ्ट को, तो वो ग्रुप वन में आ जाएंगे, खास करके लार्ज एयरक्राफ्ट आते हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट आते हैं ग्रुप वन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनके अगर मैं नाम लू, एयरबस 320, एयरबस 319, बोइंग 747, 757, 787, ठीक है, ये सब ऐसे टाइप का एयरक्राफ्ट आ जाएंगे ग्रुप वन में। अगर हम ग्रुप टू की बात करें तो ग्रुप टू को सब ग्रुप में डिवाइड किया है, तीन सब ग्रुप में, सब ग्रुप टू ए, सब ग्रुप टू बी, सब ग्रुप टू सी। टू ए में किसको रखा है? कोई भी एयरक्राफ्ट ग्रुप वन में नहीं आ रहा होगा और उसको सिंगल टर्बो प्रोपेलर इंजन लगा होगा और वो एरोप्लेन होगा। मतलब कोई एरोप्लेन ग्रुप वन में नहीं आ रहा है और उसमें टर्बो प्रॉप इंजन लगा है, वो भी सिंगल एक ही टर्बो प्रॉप इंजन लगा है, वो एरोप्लेन है और वो ग्रुप वन में नहीं आ रहा है, तो वो सब ग्रुप टू एयरक्राफ्ट माना जाएगा। वैसे सब ग्रुप टू भी कब माना जाए? कोई एयरक्राफ्ट ग्रुप वन में नहीं आ रहा है, वो क्या है? हेलीकॉप्टर है और उसमें सिंगल टर्बाइन इंजन लगा हुआ है, तो वो सब ग्रुप टू भी में आएगा। या आपके पास कोई एयरक्राफ्ट है वो ग्रुप वन में नहीं आ रहा है, उसमें सिंगल पिस्टन इंजन लगा हुआ है, तो इसमें लगेगा सब ग्रुप टू सी के लिए। ठीक है, तो अभी तीसरा टाइप का ग्रुप थ्री टाइप का जो एयरक्राफ्ट है वो पिस्टन इंजन एरोप्लेन होना चाहिए, वो ग्रुप वन में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये ग्रुप टू में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप टू सी की बात करें तो इसमें भी पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है, लेकिन यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे एरोप्लेन है। मतलब जो भी पिस्टन इंजन एरोप्लेन है वो ग्रुप थ्री में आ जाते हैं। ओके, जो भी पिस्टन इंजन हेलीकॉप्टर से सिंगल पिस्टन इंजन वो ग्रुप टू सी में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, ठीक है, तीन ग्रुप का एयरक्राफ्ट है। खाली याद रखना ग्रुप टू की एयरक्राफ्ट को सब ग्रुप में डिवाइड किया है, सिंगल टर्बो प्रोपेलर इंजन एरोप्लेन है तो वो सब ग्रुप टू ए में आएगा। इसके मतलब इसमें रेटिंग कौन ले पाएगा, कौन सा कैटेगरी का लाइसेंस? B1.1 ले पाएगा। ठीक है, एरोप्लेन टर्बाइन इंजन, इसमें रेटिंग कौन ले पाएगा? इसमें ले पाएगा B1.3 शायद, ओके, और इसमें लेगा B1.4 वाला। ओके, तो ये चेक कर लेना एक बार। अभी आते हैं ग्रुप थ्री में। ग्रुप थ्री में पिस्टन इंजन एरोप्लेन, एरोप्लेन अगर पिस्टन इंजन फिट हुआ है वो अगर ग्रुप वन में नहीं आ रहा है तो वो ग्रुप थ्री में। तो इस तरीके से ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, तीन टाइप का एयरक्राफ्ट में ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, एयरक्राफ्ट्स को, तो कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसे ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री किसी ना किसी में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और एक टाइप का एयरक्राफ्ट है जो पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन है, जो 2000 केजी और बिलो है, तो उसको ना ग्रुप वन, ना ग्रुप टू या ग्रुप थ्री, उसको अलग ही रखा गया है और उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाया गया है, वो B3। तो उनके लिए कोई टाइप रेटिंग नहीं है, उनके लिए उनकी जो लाइसेंस है इनकी लाइसेंस में सीधा इस एरोप्लेन का मॉडल का नाम एंट्री कर दिया जाता है, जो कि नॉन प्रेशराइज एरोप्लेन है, पिस्टन इंजन है, 2000 केजी मैक्सिमम टेक ऑफ मास या तो उससे बिलो होता है, तो उनके लिए टाइप रेटिंग का मतलब ये इंजन के ऊपर काम करना और सर्टिफाई करना कैटेगरी B3 के लिए हो गया। मतलब कैटेगरी B3 का जो है यही ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट है और यही एयरक्राफ्ट ही उनके लिए टाइप रेटिंग है। ठीक है, इसके ऊपर ही वो सर्टिफाई करेंगे। दूसरी बात, कैटेगरी ए के लिए टाइप रेटिंग होता ही नहीं है, वो बार CR 145 की पॉइंट नंबर 35 रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर दिए तो वो हो गया बस। इसका मतलब इनको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो लाइन मेंटेनेंस में ये ज्यादातर काम करते हैं, सर्टिफाइंग स्टाफ भी बनते हैं लेकिन माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, माइनर काम के लिए, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट के ऊपर सर्टिफाइंग स्टाफ नहीं बनते हैं।
ठीक है, लाइन हो या बेस मेंटेनेंस हो, बेस मेंटेनेंस में तो नहीं जाएंगे, लाइन में जाएंगे। और ये क्या नहीं करेंगे, इनके लिए एयरक्राफ्ट की लाइसेंस के लिए कोई रेटिंग नहीं होता है। अगर तुम लाइसेंस ले सकते हो तो सिर्फ कैटेगरी ए लाइसेंस ही विथआउट रेटिंग आपको मिल सकता है, लेकिन कैटेगरी बी थ्री लेना है तो आपको पिस्टन इंजिन नॉन प्रेशराइज एरोप्लेन 2000 kg मैक्सिमम टेक ऑफ मास एंड बिलो, ये एरोप्लेन को आपकी सीधा लाइसेंस में एंट्री कर दिया जाएगा। ठीक है, एंडोर्समेंट कर दिया जाएगा। कब एंडोर्समेंट किया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एंडोर्समेंट का प्रोसेस। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कौन सा लाइसेंसिंग कैटेगरी के लिए कौन सा रेटिंग मिलता है और कौन सा ग्रुप का एयरक्राफ्ट के ऊपर। ओके, तो ग्रुप वन में हम पढ़े थे जो एयरक्राफ्ट ज्यादातर लार्ज एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर B1 वाला, B2 वाला और कैटेगरी सी वाला लाइसेंस ले सकता है, वो भी टाइप रेटिंग लाइसेंस, वो भी टाइप रेटिंग लाइसेंस। तो अगर B1 वाले को या B2 वाले को या कैटेगरी सी वाले को अगर ग्रुप वन एयरक्राफ्ट के ऊपर लाइसेंस लेना है, ग्रुप वन एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर लाइसेंस लेना है, कौन सा लाइसेंस, टाइप रेटेड लाइसेंस, तो इसका एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर, एक इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग मिलेगा। ठीक है, मतलब इनको एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे इनका लाइसेंस में एंट्री कर देंगे एयरबस 320, मतलब एयरबस 320 के ऊपर क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, प्रिविलेजेस वगैरह सब कुछ लिख दिया। तो ये हो गया इंडिविजुअल टाइप रेटिंग। या इन्होंने, हो सकता है एयरबस 320 के बाद में बोइंग में भी एक्सपीरियंस लिया तो इनके लाइसेंस में ऐड कर दिया जाएगा बोइंग 737, मान लो 737 के ऊपर एक्सपीरियंस लिया तो इनको फिर से बोइंग 737 के ऊपर इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग मिल जाएगी। इस तरीके से वो हर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्सपीरियंस गेन करते हुए एक इंडिविजुअल टाइप रेटिंग लेंगे, मतलब ये सबसे पहला टाइप का टाइप रेटिंग, सबसे पहला टाइप का टाइप रेटिंग है इंडिविजुअल टाइप रेटिंग या अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग। ठीक है, तो ग्रुप वन एयरक्राफ्ट के ऊपर याद रखना B1, B2 और C वाले ही लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, B1, B2 और C वाले ही टाइप रेटेड लाइसेंस ले सकते हैं ग्रुप वन एयरक्राफ्ट के ऊपर, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग। ठीक है, अभी दूसरी बात आते हैं। अभी दूसरी बात क्या है कि कैटेगरी B1, B2 और C वाले ग्रुप टू एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ग्रुप टू के ऊपर लेंगे तो उनके पास तीन टाइप का टाइप रेटिंग अवेलेबल है। एक है इंडिविजुअल कि B1, B2 और C में से कोई भी लाइसेंस होल्डर लाइसेंस के लिए जो अप्लाई कर रहा है, सब ग्रुप टू है, सब ग्रुप टू बी या सब ग्रुप टू सी में से किसी भी टाइप का सब ग्रुप का एयरक्राफ्ट के, इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या करे, इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग ले ले। या तो दूसरा ऑप्शन इनके लिए है कि कैटेगरी B1, B2 और C में से ग्रुप 2 का कोई भी एक सब ग्रुप, कोई भी एक सब ग्रुप के ऊपर, फॉर एग्जांपल सब ग्रुप 2B के ऊपर मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग ले सकता है। मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग का मतलब यह है कि इस मैन्युफैक्चरर का, मान लो मैन्युफैक्चरर 1 है, कोई कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरर ने सब ग्रुप 2B का मान लो 5 मॉडल एयरक्राफ्ट बनाए, एयरक्राफ्ट 1, एयरक्राफ्ट 2, एयरक्राफ्ट 3, एयरक्राफ्ट 4, एयरक्राफ्ट 5। ठीक है, तो ये 5 मॉडल का एयरक्राफ्ट सब ग्रुप 2B का बना है इस मैन्युफैक्चरर ने। अगर B1, B2 और C में से किसी ने भी अगर मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग ले लिया सब ग्रुप 2B के ऊपर, तो वो कोई भी क्या कर सकता है, ये सारे में से कोई भी एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर सकता है। मतलब इस मैन्युफैक्चरर का बनाया हुआ ये सब ग्रुप का जितना भी एयरक्राफ्ट है उसको सर्टिफाई कर सकता है अगर कैटेगरी B1, B2 और C में से कोई भी एक, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग ले लेता है। तो याद रखना यहाँ पे सब ग्रुप रेटिंग लिखा है, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग मतलब इस सब ग्रुप का उस मैन्युफैक्चरर का बना हुआ ही एयरक्राफ्ट का टाइप रेटिंग मिल रहा है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर 2 ने कोई एयरक्राफ्ट बनाया सब ग्रुप
टू बी का एयरक्राफ्ट का, तो उसको वो सर्टिफाई नहीं कर सकता। ओके, ये हो गया। अभी तीसरा टाइप का जो सब ग्रुप है वो है फुल सब ग्रुप रेटिंग। फुल सब ग्रुप रेटिंग मतलब मान लो कैटेगरी B1, B2 और C में से कोई भी एक ग्रुप टू एयरक्राफ्ट के ऊपर ये कोई भी सब ग्रुप का फुल सब ग्रुप रेटिंग ले सकता है। फुल सब ग्रुप रेटिंग मतलब ये सब ग्रुप का कोई भी एयरक्राफ्ट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किया हो उसको ये सर्टिफाई कर सकता है अगर फुल सब ग्रुप रेटिंग लिया हुआ तो। मान लो मैन्युफैक्चरर वन ने मान लो 5 एयरक्राफ्ट बनाया सब ग्रुप 2C का, मैन्युफैक्चरर टू ने मान लो 6 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बनाया सब ग्रुप 2C टाइप का, तो इसने इस सब ग्रुप के ऊपर सब ग्रुप 2C के ऊपर फुल सब ग्रुप रेटिंग लिया है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो उस टाइप का कोई भी एयरक्राफ्ट हो सारे एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर सकता है अगर टाइप रेटिंग लिया है तो। लेकिन हम जो ये मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग में क्या देखा कि अगर उसने सब ग्रुप रेटिंग सब ग्रुप 2C के ऊपर सिर्फ मैन्युफैक्चरर का रेटिंग लिया है तो उस मैन्युफैक्चरर का जो मिला होगा रेटिंग, मान लो मैन्युफैक्चरर वन का सब ग्रुप 2C के ऊपर रेटिंग मिला है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर वन का ही जो एयरक्राफ्ट है वो भी सब ग्रुप 2C का टाइप का जो एयरक्राफ्ट है उसी को सर्टिफाई कर सकता है। मतलब सीधी सी बात हमें कहने के लिए जाए तो आपने अगर मैन्युफैक्चरर का टाइप रेटिंग लिया है तो एक पर्टिकुलर सब ग्रुप के ऊपर एक पर्टिकुलर लाइसेंस का एक पर्टिकुलर लाइसेंस एक पर्टिकुलर सब ग्रुप के ऊपर मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग लिया है तो उस मैन्युफैक्चरर का ही बनाया हुआ उस टाइप का एयरक्राफ्ट आप सर्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर सब ग्रुप के ऊपर आपने अगर आपका अपने अगर फुल सब ग्रुप रेटिंग लिया है तो आप इस सब ग्रुप का कितने भी टाइप का मैन्युफैक्चरर भले ही क्यों ना हो वो एयरक्राफ्ट इस सब ग्रुप में आता है तो आप उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब B1, B2 और C वाला जो है आप ग्रुप वन में भी ले सकता है जिनको इंडिविजुअल टाइप रेटिंग मिलता है, ग्रुप टू में भी मिल सकता है लेकिन ग्रुप टू में 3 ऑप्शन उसके पास है। ठीक है, इंडिविजुअल, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग और एक फुल सब ग्रुप रेटिंग। ठीक है, और तीसरा जो है B1, B2 और C वाला है ग्रुप 3 के एयरक्राफ्ट के ऊपर भी ले सकता है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग मिलता है। मतलब ये ग्रुप 3 का है, कोई भी एक इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट हो उसके ऊपर पर्टिकुलर मॉडल हो ग्रुप 3 का उसके ऊपर इंडिविजुअल टाइप रेटिंग ले सकता है इनमें से कोई भी। ठीक है, और ग्रुप 3 के अगर वो फुल ग्रुप रेटिंग ले लिया ग्रुप 3 के ऊपर तो ग्रुप 3 का बनाया हुआ कोई भी मैन्युफैक्चरर ग्रुप 3 का बनाया हुआ कोई भी एयरक्राफ्ट के ऊपर वो कैटेगरी का लाइसेंस होल्डर अगर फुल ग्रुप रेटिंग ले रहा है तो कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाया हुआ ग्रुप 3 का एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद B3 में आपको समझा दिया हूँ, सिर्फ पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन्स ऑफ 2000 kg MTO एंड बिलो उसी एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करेगा, वही है उसके लिए टाइप रेटिंग और कैटेगरी A के लिए टाइप रेटिंग होता ही नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टाइप रेटिंग के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। ये जो टाइप रेटिंग है आपकी ये जो लाइसेंस में ऐड करना है ये पर्टिकुलर ग्रुप का एयरक्राफ्ट को उसको जो ऐड करना है ये टाइप रेटिंग और ये जो पर्टिकुलर टाइप का एयरक्राफ्ट आपकी लाइसेंस में ऐड करना है उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एंडोर्समेंट के लिए आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, थैंक यू, वीडियो को पूरा देखना।